Camera. One, two, three, four. Walk. One, two, three, four. सिर्फ बिगनिंग का एक टाइट क्लोज सी है, आग और चेहरा 48 फ्रेम। हाँ, वेरी गुड। ये प्ले करके दिखा देता हूँ। इतना सा आइसक्रीम लेता हूँ। हाँ जी। अनीता एक बार लास्ट पोजीशन पे। हाँ, अवधेश आ गया तो लास्ट अनीता लास्ट। हाँ, जय थोड़ा अंदर बस। संतोष लास्ट पुश। रेडी साइलेंस साउंड रोलिंग। One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Santosh Bar, KK Gap pe, Santosh Bar.
टेक करेंगे। ये आरजीबी लगा ना यार, फिक्स कर करके आवाज नहीं पहुंचा मेरा टिंकल चीफ साउंड। अरे सटेक ये इधर ही चाहिए, इधर देख के जाइए अटका मांग मिल गया। के बाद आई नहीं इसलिए मैं इधर देखा। ना ना पहले वहां से वो लुक देगी, स्माइल देगी, उसके बाद वॉक करेगी। सॉरी रेडी, पीछे चलना नहीं, ए इतना नहीं चाहिए रे। रेडी आने दीजिए, अच्छा लग रहा है। साउंड एक सेकंड मास्टर जी खड़े। वन टू थ्री फोर ये जो भी गाना शूट हुआ है, ये इस फिल्म का क्या बोल सकते हैं, की सॉन्ग है। जहाँ यहाँ इस गाने के बाद एक ऐसी दुर्दांत घटना घटती है जिसकी वजह से पूरी फिल्म है। इस गाने का जो मूल जो सार है वो ये है कि आज 12 साल बाद पत्नी जो है माँ बनने वाली है और आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो उस खुशी में एक पति पत्नी के बीच में और जो आने वाली संतान है उसके बीच की जो फीलिंग है, जो एहसास है, वो एहसास ही ये गाना है। और इस फिल्म अजनबी के बारे में बस यही कहूँगा, अनरियलिस्टिक सब्जेक्ट को रियलिस्टिक अप्रोच में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि अभी किस्मत ने जो मुझे इसके पहले जुगनू और बाबुल दिया है वो हार्ड कोर रियलिस्टिक सब्जेक्ट है, उसी उस रियलिज्म के साथ, एक सार्थकता के साथ, सकारात्मकता के साथ अपने इस सब्जेक्ट को कन्विक्शन के साथ मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, कन्विंस करना चाहता हूँ। एक बहुत प्यारा मैसेज भी है। और अभी तक जो जिस इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हूँ भोजपुरी, वहाँ हॉरर फिल्में बनी होंगी, कुछ बनी है, बट ये मूलभूत हॉरर फिल्म ही है। बट ये आत्मा की तड़प, एक इमोशन, एक भावना, इसको कह सकता हूँ इमोशनल हॉरर फिल्म है ये। तो निश्चित तौर पे बहुत मज़ा आएगा लोगों को। और यहाँ काम करने वाले तमाम जो हमारे एक्ट्रेस हैं, क्रू मेंबर्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंदित कर रहा है इसकी मेकिंग। बस इन्हीं लोग के प्यार आशीर्वाद से बन जाए, अजनबी जैसे जुगनू और बाबुल बनी है। और इस फिल्म के जो निर्माता हैं हमारे प्रणीत वर्मा जी, वो बड़े ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक हैं। जो निर्माता अमूमन पैसा लगा देने के बाद लोग समझते हैं कि निर्माता का काम हो गया, बट निर्माता इतना सेंसिबल होना चाहिए जो कि पैसा कहाँ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और सिनेमा की समझ बहुत ज़रूरी है उनको होना, जो प्रणीत जी में हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनमें पूरी तरह से कूट कूट के सारी समझदारी सिनेमा के प्रति जो है भरी हुई है। और उनका साथ और सबका प्यार दुलार और जो समर्पण है इस काम को लेकर के, मुझे भरोसा है कि अजनबी एक मेरी सोच से ऊपर ही बनने वाली हैं और बन भी रही है, और प्रभु चाहेंगे तो इसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। जैसे जुगनू और बाबुल का लोग जो प्रतिसाद दे रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं, अभी तो फिल्म रिलीज नहीं हुई है, मेरी ये तीसरी फिल्म पर तीनों नहीं अभी रिलीज हुई है। एक का ट्रेलर रिलीज हुआ है जुगनू का, जिसको दर्शकों ने बहुत सराहा, बाबुल का ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है और ये अजनबी। तो बस यही बोलूँगा कि अपने आप सबके भरोसे के साथ, बिलीव के साथ मैं हूँ और खड़ा उतरने की कोशिश करता रहूँगा। अभी हिंदी फिल्मों में एक फुल फ्लेज्ड फीचर फिल्म करी है हमने, जिसका नाम है ऑड कपल, 2 महीने में रिलीज़ होने वाली है किसी प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पे।
और दो प्रोजेक्ट और है पाइपलाइन में, एक वेब सीरीज़ कर रहे हैं हम हॉटस्टार के लिए और एक और हिंदी फिल्म कर रहे हैं जो अक्टूबर में शूट होने वाला है। फिर अचानक से भोजपुरी फिल्मों की ओर कैसे आ गए? अचानक से भोजपुरी फिल्मों की तरफ नहीं आए, भोजपुरी मेरी मातृभाषा है और हमेशा से मन था कि अगर इस क्रिएटिव फील्ड में हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो भोजपुरी में भी बनाना चाहिए। और भोजपुरी में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो उसको भी लेके बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। इसी सोच के साथ भोजपुरी में आए। पहली फिल्म थी जुगनू, जिसमें मैं सहनिर्माता था रत्नाकर जी के साथ। अभी दूसरी, ये पहली इंडिपेंडेंट फिल्म है अजनबी। पहली फिल्म भी अवधेश जी के साथ थी, ये भी फिल्म अवधेश मिश्रा जी के साथ है। आगे की योजना क्या है आपकी? आगे की 2-3 फिल्में हैं जो हम इसी साल कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी कलाकार हैं और बात हो चुकी है सारी, और 2-3 फिल्म फ्लोर पे इस साल जाएगी। अभी कोविड की वजह से थोड़ा 2-3-4 महीना चला भी गया उसमें। दुआ करेंगे कोविड का सिचुएशन दोबारा ना आए तो आपको हमारी तरफ से 2-3 अच्छी फिल्में देखने के लिए इस साल भोजपुरी में मिलेंगी। भोजपुरी फिल्मों का क्या भविष्य दिख रहा है अभी? भोजपुरी फिल्मों का भविष्य बहुत अच्छा है। हमारे यूपी, बिहार और उसके अलावा भी 18 करोड़ लोग दुनिया में भोजपुरी भाषा को बोलते हैं, समझते हैं और देखते हैं। तो उन 18 करोड़ लोगों को अगर आप कुछ अच्छा अपनी मातृभाषा में देंगे, बोलने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, तो वो बिल्कुल देखेंगे। और इसका भविष्य OTT आने की वजह से और भी ज़्यादा है कि हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर कोई देख सकता है। तो मेरे ख्याल से तो भोजपुरी फिल्मों का भविष्य बहुत अच्छा है अगर हम कुछ अच्छा काम करें इसमें तो। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम प्रनीत वर्मा है और मैं चंपारण से हूँ। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।